देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। सिद्धार्थनगर जिले में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला चुलैया थाना क्षेत्र के बुरा पार पकड़ी का है। आपको बता दें कि मृतक महिला निर्मला अपने घर में सोई हुई थी। घर वालों के अनुसार पड़ोस में रहने वाला रामरक्ष यादव सोमवार की रात करीब 1 बजे निर्मला के घर में घुसा और गोली मारकर फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर घर के लोग और पड़ोसी मौके पर पहुंचे। लोग उपचार के लिए कहीं ले जा पाते उससे पहले ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने इसकी सूचना थाने पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की छानबीन करने में जुट गई। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अभियुक्त पुलिस की पकड़ में होगा। वहीं इस घटना से घर और गांव में मातम छाया है। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मृतक निर्मला और रामरक्ष का घर आमने सामने है। दोनों परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर बराबर मारपीट होती रहती थी। ये छोटे छोटे झगड़े इतना व्यापक रूप ले लेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। पूरा परिवार हमारा मर जाता है। हम पाए घूमकर फांसी हो जाए, बंद हो जाए, कुछ हो जाए तो छोड़ा लेंगे। साल तीन साल में चार साल में घरे आई हम कहाँ पाएगा कहूँ। आज प्रातः बुढ़ापार गांव थाना चिलिया में एक निर्मला देवी नाम की महिला की जो 45 वर्षीय है गोली मार करके उनकी हत्या की गई। हत्या उनके पड़ोसी रामवृक्ष यादव और उनके पिता सुखदेव जो नामजद तहरीर है इनके द्वारा किया गया है। इनकी रंजिश पिछले दिनों से चली आ रही है। भोर में बरामदे में लेटे हुए थे, सटा करके तमंचा से गोली मारा और मौके पर मृत्यु। इसकी अभी गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है। 3-4 दलित पार्टी क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में भेजा गया है, शीघ्र गिरफ्तारी कर लिया है। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस ने कब्र खोदकर शव को निकाला बाहर। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। 2.5 माह पूर्व कब्र में दफन राज का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने कब्र से शव को निकलवाया। 2.5 माह पूर्व कब्र में दफन हुए राज का पर्दाफाश करने के लिए कोतवाली पुलिस ने कब्र को खोदकर मृतक सबीना का शव बाहर निकाला। आपको बता दें कि साल 2007 में काशीपुर के जसपुर खुर्द निवासी मोहम्मद इसहाक की पुत्री सबीना का प्रेम प्रसंग के चलते नगर के नई बस्ती निवासी नवाब के साथ विवाह हुआ था, जिसके बाद बीती 22 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में सबीना की मौत हो गई थी, जहां ससुराल पक्ष ने आनन फानन में उसको सुपुर्द एक खाक कर दिया था। मामले को संदिग्ध मानते हुए मृतिका सबीना के भाई मेहंदी हसन ने काशीपुर न्यायालय में 156(3) के तहत अपनी बहन सबीना को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और धीमा जहर देकर मौत की नींद सुलाने का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ अपील दायर की थी। इस पर कोतवाली प्रभारी चंचल शर्मा ने धारा 302-201 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मृत्यु का कारण जानने के लिए आज काशीपुर के नौगजा कब्रिस्तान से सबीना की कब्र खोदकर मृतका को बाहर निकाला गया। इस दौरान कब्र से सबीना को बाहर निकालते समय मृतका सबीना का परिजन और मोहल्ले वासियों सहित बड़ी तादाद में पुलिस अमला मौजूद रहा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के काशीपुर से संवाददाता हर्ष तनेजा की रिपोर्ट। के साथ में तो बहुत अत्याचार हुए हैं शुरू से अब तक। 10 साल से इनने एक दिन सुखी से ना रखा, उस लौंडिया को खाने। अपनी मेहनत करती थी, सिलाई करती थी, जब जाकर अपना गुजार बसर करती थी, किराया देती थी, अलहदा रहती थी, इससे कोई ताल्लुकात ना था। 3 साल से मुकदमा चल दिया था उसका। 9 तारीख की लास्ट डेट थी तो इनने अक्टूबर में ही मार दिया उनने।
22 तारीख को उन्हें खत्म कर दिया। ये समीना नाम की महिला जो जसपुर खुर्द की रहने वाली थी, इसके परिजनों ने न्यायालय के माध्यम से 156(3) में एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि 22 अक्टूबर 2017 को समीना की मृत्यु इसके पति तथा उसके माँ बाप के द्वारा कर दी गई थी तथा शव को चुपचाप दफना दिया गया था। इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, काशीपुर कोतवाली में है, और इसमें SDM से अनुमति लेकर के उनके मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कब्र से शव को निकाला गया है और उसका पंचायतनामा भरवा करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवा दिया गया है। अब पोस्टमार्टम के बाद जो भी उसमें रीजंस आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सोमवार को मुजफ्फरनगर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर सिखेड़ा थाना अध्यक्ष मनोज चौधरी ने अपनी पुलिस टीम के साथ गांव भडूरा के जंगल में छापेमारी कर अवैध रूप से चल रही तमंचा फैक्ट्री को पकड़कर उसका भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जंगल में अवैध रूप से चल रही तमंचा फैक्ट्री से पुलिस ने काफी मात्रा में बने तमंचे, कोनी मस्कट और एक बंदूक भी बरामद की है। भारी मात्रा में अधबने तमंचों की नाल, तमंचे बनाने के उपकरण और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पकड़े गए दोनों आरोपी हनीफ और इलियास मुजफ्फरनगर के हैं। आपको बता दें कि हनीफ से जब पूछताछ की गई तो हनीफ ने बताया कि वह समाजवादी पार्टी मजदूर सभा का महानगर अध्यक्ष है और उसके पास से पुलिस ने उसके विजिटिंग कार्ड भी बरामद किए हैं। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वस्त की रिपोर्ट। पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। इन्हें थाना अध्यक्ष सिखेड़ा को ये जानकारी मिली थी कि भंडूर के जंगल में निर्जन स्थान है, वहाँ पे कुछ लोग अवैध असले बनाते हैं तथा उनका व्यापार करते हैं। इस सटीक सूचना पे इनके द्वारा अपने टीम के साथ दबिश दी गई तो वहाँ से बहुत बड़ा भंडारण अवैध हथियारों का, अवैध हथियार बनाने के उपकरण तथा अवैध हथियार में जो यूज होते हैं पार्ट्स, उनका जखीरा प्राप्त हुआ। ऑर्डर दे तो एक दो दिन के अंदर भी ये 50-60 तमंचे तत्काल तैयार कर सकते हैं जो इनके पास से सामान निकला है। आसपास के क्षेत्र, यहाँ तक कि सीमावर्ती जनपदों में इनके द्वारा अपने तमंचों को, वो मस्कट को किया जा रहा था। इस तरह के कार्ड मिले हैं जो उसने छपवा रखे हैं, वो है या नहीं इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके यहाँ से कार्ड मिले हैं। पहले वो किसी मानवाधिकार संगठन का जिला अध्यक्ष था, जो ये बता रहा है कि 2 साल पहले था। इसी तरह से एक पार्टी का भी उसके पास जिला अध्यक्ष किसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड है जिस पर उसका फोटो है, लेकिन इसे तस्दीक हम नहीं कर रहे हैं। वो खुद बता रहा है कि वो विभिन्न राजनीतिक संगठनों, पार्टियों से उसका पूर्व में वो रहा है। इसमें दो आरोपी पकड़े गए हैं, यही दोनों इसमें से एक आरोपी जो इलियास है वो पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं में जेल गया है।